हेलो। हाँ स्वीटी। चाची जी, चाची जी, मोना का फोन आपके पास कैसे? कल रात को उससे लिया था। क्यों चाची जी? आप जल्दी से मोना के रूम में आ जाइए प्लीज। लेकिन स्वीटी, इस वक्त मैं ऊपर कैसे आ सकती हूँ? यहाँ पे बारात है, स्वागत करना है गोल्डी का। चाची जी वो सब छोड़िए, आप जल्दी से मोना के रूम में आ जाइए। आपको रब दा वास्ता चाची जी। ठीक है मैं आती हूँ। पर जाई जी, एक मिनट ये थाली पकड़िए, मैं बस अभी आई। लेकिन तू कहाँ जा रही है? मैं बस अभी आती हूँ। दिल्ली पर जाई जी, आप अपने दामाद का स्वागत नहीं करेंगी, आरती नहीं उतारोगे? बस मैं यूं गई और यूं आई। हुआ कि ये रिमी पर जाई जी को, उनके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? क्या हुआ स्वीटी, इतनी घबराई हुई क्यों है? चाची जी, चाची जी, मोना कहीं नहीं है। कहीं नहीं है? क्या मतलब है? यहीं कहीं होगी, बाथरूम में देखा तूने, या फिर तेरी चाय जी के कमरे में? नहीं चाची जी, वो कहीं नहीं है। मैंने हर तरफ देख लिया, हर कमरे में ढूंढाई, उसका कोई अता पता ही नहीं है। ये तो क्या कह रही है? मैं सच कह रही हूँ चाची जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। भाई रब्बा, वो कहीं घर छोड़कर तो नहीं चली गई ना? शुभ शुभ बोल स्वीटी, शुभ शुभ बोल। हाय रब्बा, हूं मैं की करा, ये लड़की ऐसे घर छोड़ के कैसे जा सकती है? बारात दरवाजे पे आ गई है और दुल्हन गायब है, अगर ये लड़की जल्दी वापस नहीं आई पता नहीं क्या होगा। अब क्या होगा? मैं क्या करूं, कहां जाऊं? मोना जी प्लीज इधर मत खड़े रहिए, आप अब गिर जाएंगी। देखिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज अंदर आ जाइए। अब क्या होगा, घर पे बारात आई होगी, सब मुझे ढूंढ रहे होंगे, मम्मी जी पापा जी सब कितने परेशान होंगे। मैं क्या करूँ, प्लीज मुझे घर ले चलो। जी प्लीज रोइए मत ना, देखिए मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं हूं ना आपके साथ, है ना? इसे कैसे जा सकती है लड़की बिना बताए? चाची जी अभी बारात अंदर आ जाएगी और फिर सब पूछेंगे मोना का, क्या जवाब देंगे हम? अनंत कार्य शुरू होने में भी थोड़ी सी देर है, किस किस के सवालों का जवाब देंगे, क्या करेंगे हम? सीजे कितनी अच्छी बारात है ना, अगर हमारा इसे झगड़ा नहीं हुआ होता ना तो हमें भी बुलाते हैं लोग, कितना मजा आता है इनके साथ, है ना? दीदी धीरे बोलो, अम्बा जी ने सुन लिया ना तो बहुत डांटेगी। चुप कर, जब देखो अम्बा जी की धमकी देती रहती है। अरे देखना मजा आ रहा होगा इन्हें बहुत। कितना अच्छा ढोल बजा रहे हैं, कितना नाच रहे हैं लोग, वो देख ये सब क्या हो रहा है।
ऐसे लड़कियां बालकनी में खड़े होकर आते जाते लोगों को झांकती नहीं। अच्छे घर की लड़कियों के लक्षण नहीं है। अंदर जाओ। अरे लेकिन अम्बा जी, हम तो सिर्फ बारात देख रहे हैं ना। सुना नहीं मैंने क्या कहा? हम तो बारात देख रहे थे, इसमें देखने को है ही क्या? पंजाबी लोग भी क्या? अनुकल्प को पता होगा मुन्ना कहाँ है? कहीं वो मैंने कम हैरान परेशान किया था इन्होंने हमें। इनका बेटा मुन्ना के पीछे पड़ गया। पता मेरी सासू से मुझे कितनी सुननी पड़ी थी, और अभी मुन्ना की बच्ची खुद ही गायब होगी। किस किस की नजर लगेगी मेरी शादी को? अरे बाबा जी प्लीज बचा लो मुझे इन सारी परेशानियों से। गुरुद्वारे आके पक्का मत्था टेकूंगी। आपकी सो लो, इब देख लो, आप दोनों यहाँ खड़े हो और वहाँ अमृत पर जाए जी। बेचारी कब से आप दोनों को ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रही है। बुलाया है आपको, चलो रिम्मी पर जाए जी। ये हो गया, इब दामाद की आरती नहीं उतारनी के? और दुल्हन कित से मैंने दिखी ना कमरे में? हाँ? वो बाथरूम में, मैं देखती हूँ। चलो चाची जी। मेरी मम्मी कहाँ रह गई थी तू? दामाद की आरती नहीं करनी है क्या? क्या बात है मामी जी, अपने दामाद की नाक नहीं खींचेंगे? हाँ बहन जी, ऐते रीत हैगी। और वैसे भी अपने दामाद की नाक खींचने का मौका तो एक ही बार मिलता है ना। क्या बात है, तू इतनी घबराई क्यों है? तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया है? क्या बात है? नहीं तो अब कुछ भी। चाची नहीं, कैसे? चाचा जी मुन्ना घर पर नहीं है। पुत्र क्या मतलब है तेरा? स्वीटी क्या कह रही है तू? पुत्र मुन्ना घर में नहीं है, ये क्या क्या मतलब है तेरा? सोच समझ कर बोल बेटा, ये तो क्या कह रही है? जाही जी मैं सच बोल रही हूँ, मैंने हर तरफ देख लिया, हर कमरे में ढूंढा, मुन्ना कहीं पर नहीं। विम्मी ये क्या कह रही है? अरे अंदर बाराती बैठे हुए हैं, ये क्या मजाक है? कहाँ है मुन्ना, कहाँ जा सकती है वो? मैं जानता हूँ आपकी बेटी कहाँ जा सकती है। बल्कि मैं ये भी जानता हूं कि वह इस वक्त कहां पर होगी। मोना, मोना पुत्र, मोना मोना पुत्र,
ये सब क्या हो रहा है? आप इस हमारे घर में कैसे घुसे आ रहे हैं? हमारी बेटी आपके घर में है, हम जानते हैं, हम उसे ढूंढने आए। अरे मोना हमारे घर में क्यों होगी? हाँ वो तो आपके घर में। अच्छे तरीके से जानते हैं कि मोना यहीं पर है। अंकल जी मैं देख कर रहता हूँ, सिख कमीने के साथ होगी। एक मिनट, तुम ऊपर नहीं जा सकते। अच्छा देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। अरे मोना, अरे सुनो मोना, अरे मोना कर रहे हो तुम? मोना, अरे मोना गोल्डी, मोना मोना मोना, अरे क्या कर रहे हो तुम ये सब? हाँ अरे मोना, ये तो अजीब गुंडागर्दी है। चरित लोगों के घर में कोई इस तरह से व्यवहार करता है? रहने दीजिए, बहुत देखी आपकी शराफत। एक लड़की जिसकी शादी होने जा रही है, आपका बेटा उसे भगा कर ले आता है, और वो भी यहाँ। आप तो शराफत की बात मत कीजिए। बहुत हो गया, शर्म नहीं आती आपको इस तरह इल्जाम लगाते हुए? और वो भी मेरे बेटे पर? वो तो दिल्ली में है ही नहीं, और वो क्यों भगा कर लेके जाएगा आपकी बेटी को? क्या वास्ता है उसका उससे? वास्ता? अगर वास्ता नहीं है तो इतनी आशिकी क्यों छाड़ता है? सारा दिन तो मोना के इर्द गिर्द मंडराता रहता है। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ। शुक्र मनाइए कि जो ओछी हरकत आपके बेटे ने की है उसके बाद मैं पुलिस को यहाँ लेकर नहीं आया, वरना एक लड़की को भगाने के इल्जाम में आपके बेटे को हवालात में डाल देता मैं। समझिए आप। मैं तो समझ रही हूँ, पर लगता है आप नहीं समझ रहे। भाई साहब शादी आपकी बेटी की हो रही थी, घर से वो भाग गई है, और अब मेरे बेटे को ओछा कह रहे हैं? अरे अपनी बेटी को संभाल के रखना चाहिए था ना, भाग गई होगी किसी के साथ। जब से हम आए हैं रंग ढंग तो देख ही रहे। चुप रहिए, आप तो चुप ही रहिए। बेबी साहब बस अब बहुत हो गया, मेरी बा है वो, अब जरा सी भी बदतमीजी की तो मेरे सबर का बांध भी टूट जाएगा। हमारी शराफत का नाजायज फायदा मत उठाइए। इस समय आप यहां से चले जाइए, चले जाइए यहां से। गलती से भी अगर मुझे पता लग गया कि मोना के गायब होने में आपके उस झल्ले का हाथ है, काट के फेंक दूंगा। गुंडागर्दी पे उतर आते हैं ये लोग? इस तरह के संस्कार है इनमें? अरे सड़क के गुंडे की तरह व्यवहार कर रहा था वो। श्री कृष्ण श्री कृष्ण, ऐसे पड़ोसी तो भगवान किसी को ना दे। फोन उठाओ अंकल। यहाँ इतना कुछ हो गया और ये लड़का। हाँ वर्मा जी, मैं मिसेस गांधी बोल रही हूँ। अनुकल पाया था ना स्टेशन पर? टिकट ले गया। अकेला ही था या कोई और था साथ में? नहीं नहीं बस यूं ही पूछ रही थी, बस वो ट्रेन में बैठ गया ना। हाँ जी शुक्रिया। देखा बा, अनुकल तो सुबह ही स्टेशन पहुंच गया था, और बाबूजी वो गाड़ी में बैठ भी गया अकेला। इनकी बातों से मत घबराइए, मैं जानती हूँ ना मेरा अनुकल, वो ऐसी कोई हरकत कर ही नहीं सकता।
अब देर किस बात की है सोनी साहब, गुरुद्वारे के लिए चलना चाहिए। अनंत कारज का काम तो दिन में ही हो जाना चाहिए। जी जरूर। अनंत कारज, कौन सा अनंत कारज, कौन सा अनंत कारज, कैसा अनंत कारज? मोना घर छोड़कर भाग गई है। ये क्या कर रहा तू, पागल हो गया क्या? क्या बोल रहा है तू? ठीक बोल रहा हूं, एकदम ठीक बोल रहा हूं। पूरे घर में कहीं नहीं है मोना, पूछो उनसे, पूछो उनसे। क्या कह रहा है सत्यम? बहू चाय तो पी लीजिए, आपने तब से कुछ नहीं खाया। मेरी तो ना भूख प्यास ही मिट गई है भाई, कॉल समझ ही नहीं आ रहा ये सब, ये क्या हो गया? इस वक्त मैं इतनी परेशान हूँ। परेशान होने से प्रॉब्लम सॉल्व थोड़ी ना हो जाएगी मोना जी, हमें कोटा स्टेशन तक इंतजार करना ही होगा, ट्रेन उससे पहले रुकती ही नहीं है। लेकिन प्लीज तब तक आप कम से कम कुछ खा पी तो लीजिए प्लीज। पता नहीं ये क्या हो गया, घर पे बारात आई होगी और घर वालों ने क्या जवाब दिया होगा, कितने परेशान हो गए होंगे सब, क्या गुजरी होगी उन सब पे। हाय रब, क्या कहा होगा, कहाँ गई दुल्हन? पापा जी, मम्मी जी, दार्जी। दार्जी, दार्जी, करण, दार्जी, दार्जी, दार्जी। लीजिए, जिसका डर था वही हुआ। हमें तो पहले भी इस लड़की के रंग ढंग ठीक नहीं लग रहे थे, लेकिन गोल्डी की जिद थी इसलिए मानना पड़ा। वाह सतनाम भाई साहब वाह। अरे बेइज्जती करनी थी तो हमारे सर पे 100 जूते मार लेते, ये पूरी बारात बुला के हमारी मिट्टी पलीती करनी थी। सॉरी सर, ऐसा मत कहिए प्लीज। कमाल के समधी मिले हमें भी, एक शराब पीकर तमाशा खड़ा करता है और दूसरा हाथ जोड़कर माफी मांगता है। अरे अगर अपनी लड़कियों को सही ढंग से पाला पोसा होता ना भाई साहब, तो आज ये हाथ जोड़ने की नौबत नहीं आती। आपकी छोटी लड़की की हरकत देखकर तो अब बड़ी लड़की पर भी शक हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं जिसे हीरा समझकर हम अपनी अंगूठी में जड़ लाए हों पत्थर निकले। बस कीजिए, आप इस तरह से कुछ भी इल्जाम लगाती रहेंगी और हम चुपचाप आपकी हर बात सुनते रहेंगे क्या? ओ काके, बस कर बस। देखो जरा इस बहन के भाई को कैसा प्यार जागा है इसका। अरे अगर किसी गैरतमंद भाई की बहन शादी के दिन भागी होती ना, तो अपने हाथों से इसका गला घोट देता। देखिए मैं कब से रेंदे पुत्र, रेंदे चुप हो जा। तेरी बहन ने जो हरकत की है ना, हम कुछ बोलने लायक नहीं रहे। रेंदे, मैंने पहले ही कहा था सतना, बेटी के मन को समझने की कोशिश करो, जबरदस्ती करके देखा ना क्या हासिल हुआ। आप भी रहने दीजिए भाई साहब, ये सारा सब कुछ आपके लाड़ प्यार का नतीजा है। बस अब शुक्र मनाइए कि मोना इस घर में वापस ना आए, मैं
अपने हाथों से अपनी बेटी का गला घोट दूंगा। चल गोल्डी, चल यहां से। अब यहां खड़े रहकर हमें अपनी और बेइज्जती नहीं करवानी। चल। नहीं मासी जी, मैं यहां से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मुना यहां पर वापस नहीं आ जाते। उसने मेरे बहुत सारे सवालों का जवाब देना। सब में मेरा मोबाइल भी गिर गया, वरना कम से कम आपके घर पे फोन करके बता तो देते। मोना जी, मैं यार ट्रेन में पूछता हूँ, किसी ना किसी के पास तो मोबाइल होगा ना। मैं अभी आया। अरे अंकल, तुम भी ना कितने झल्ले हो, सोचो तो जरा। मैं किस मुंह से बात करूंगी घर पे, क्या बोलूंगी? वो मुझसे पूछेंगे कहाँ हूँ, बोलूंगी ट्रेन में हूँ, कोटा जा रही हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे कैसे हो गया ये सब। भाई साहब, दिल्ली के लिए ट्रेन कितने बजे मिलेगी, कुछ बता सकते हैं आप? दिल्ली के लिए वो तो अब सवेरे ही मिलेगी, इस समय कोई ट्रेन नहीं है।